गैर मजरुआ जमीन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद गुरुवार को रांची से भू राजस्व की एक टीम गिरिडीह पहुंची और कई मामलों की जांच की। इस दौरान यहां पहुंचे विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण सिंह, पीरटाड़ अंचल के मधुबन की गैर मजरुआ जमीन के कागजातों का निरीक्षण किया और वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। वहीं गिरिडीह एफसीआई गोदाम के कागजातों का भी इन्होंने मुआयना किया। मौके पर उनके साथ प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव के सिंह और एसी विल्सन ढेंगरा के साथ सदस्य रविंद्र सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरान जमीन का भौतिकी निरीक्षण किया गया, साथ ही समाहरणालय के भू राजस्व कार्यालय में बैठकर कागजातों की जांच की गई। बताया गया कि फिलहाल कुछ कागजातों में कमी है, जिससे संबंधित कागजात अंचलाधिकारी से मांगा गया है। एक बार फिर टीम आएगी और पूरे कागजात मिल जाने के बाद जाँच पड़ताल करेगी। जो भी फैक्ट्स आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। अभी यही है कि स्थल जांच के मतलब हां स्थल जांच की है, स्थल को देखा के प्राइमा फेसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे जिससे हम लोग पूरी तरह जांच करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाए। और भी बहुत सारे कागजात होते हैं जिनके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तो उन सारे कागजातों की मांग हम लोगों ने की है। कागजातों की मांग की गई एक सप्ताह के अंदर। दो जगह की जांच हमें मिली है, एक पीरटाड़ अंचल का मधुबन है जहाँ गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण का मामला है, और दूसरा गिरिडीह सदर अंचल का एफसीआई का गोडाउन है, वहाँ भी सभी जीएम लैंड का अतिक्रमण है। तो दोनों जगह की जांच है, हम लोग स्पॉट इंक्वायरी कर चुके हैं और कुछ कागजात वांछित हैं जिनके संबंध में संबंधित अंचलाधिकारी से मांग की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि सर ये कागजात लाने में 3-4 दिनों में समय दिया जाए, तो हम लोगों ने समय दिया है और नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर आकर जांच को मतलब ये मान के लगा जो अभी एक्सआई का गोदाम जिस जगह जिस प्लॉट पर चल रहा है वो जीएम लैंड पर चल नहीं नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे कागजात देखने के बाद ही हम लोग कुछ इस मामले में बता सकते हैं।